Hello students, here is a lesson number 5, quality, question answers, working with the text. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? Means author का क्या opinion था Mr. Gessler के बारे में, जो कि एक काफ़ी अच्छे bootmaker थे. The author was very impressed with Mr. Gessler. He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted. मीन्स ऑथर काफ़ी इम्प्रेस थे मिस्टर गैसलर से. ही लाइक द बूट्स मेड ओनली ऑन ऑर्डर एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड मीन्स काफ़ी इम्प्रेस थे वो मिस्टर गैसलर से और उन्हें उनके बनाए हुए शूज़ काफ़ी पसंद थे. वो जैसे ऑर्डर करते थे बूट्स बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही बनते थे और हमेशा फिट होते थे. मिस्टर गैसलर यूज़ द बेस्ट लेदर एंड मेड द बूट्स. और मिस्टर गैसलर जो थे हमेशा अच्छा लेदर यूज़ करते थे. द बूट्स विथ पेन स्टॉकिंग केयर और बिना मीन्स किसी पेन के और काफ़ी अच्छे मीन्स शूज़ थे. मीन्स कभी कभी हम पहनते ना कि शूज़ पहनते हैं तो हमें मीन्स पेन भी होता है, उन शूज़ से कभी किसी को पेन नहीं होता. ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. और वो अपने काम के लिए काफ़ी मीन्स बहुत ही अच्छा काम करते थे और वंडरफुल ही अपना काम करते थे. Why did the author visit the shop so infrequently? Author जो थे infrequently क्यों shop को visit करते थे. The author visited the shop infrequently because the boots made by Gessler brothers lasted long. वो बहुत कम जाते थे shop को visit, बहुत कम करते थे क्योंकि जो author उनसे shoes खरीदते थे वो shoes इतने long lasting means चलते थे. Mr. Gessler जो shoes बनाते थे वो. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? Mr. Gessler means ये इफेक्ट क्या हुआ Mr. Gessler means author पे कि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा Mr. Gessler से ही शूज़ लेते थे. Mr. Gessler at first found the remark unbelievable. He was quite sure that the author might have got them wet. Means Mr. Gessler जो थे जो वो unbelievable थे वो क्वाइट श्योर थे कि ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट. ही वॉज शॉक्ड. ही टोल्ड मी द ऑथर दैट ही वुड ईदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स. और जब भी वो अपने शूज़ लेकर जाते थे तो वो कहते थे कि या तो उसमें कोई रिमार्क होगा मेरे शूज़ में मेरे बनाए हुए, या तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसे तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती, मैं रिपेयर कर दूंगा, बट मेरे शूज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं होती और अगर ऐसे रिपेयर करने की बात आई तो मेरे शूज़ की बिल्स में तुम एडजस्ट कर लेना. व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म्स. मीन्स बिग फर्म्स के लिए मिस्टर गैसलर की क्या कंप्लेन थी. मिस्टर गैसलर कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर्स. मीन्स मिस्टर गैसलर ये कंप्लेन करते थे कि जो बिग फर्म है वो कस्टमर्स की पैसों की कभी वैल्यू नहीं करते. दे आर कैप्चरिंग द मार्केट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट थ्रू द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. वो सिर्फ मार्केट को कैप्चर कर लेते थे बल्कि क्वालिटी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स में देते नहीं थे. ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज ओवर ग्रोइंग फर्म्स. और वो हमेशा मीन्स ज़्यादा टाइम तो उन्हें काम नहीं मिलता था क्योंकि ये एवर ग्रोइंग फर्म्स जो थी डे बाय डे मीन्स उसका वॉल्यूम जो था वर्क जो था वो बढ़ता जाता था और उनका काम कम होता जा रहा था. सो व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स. और ऑथर हमेशा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ऑफ शूज़ क्यों खरीदते थे. डिड ही रियली नीड देम. क्या उन्हें सच्ची में ज़रूरत थी. द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गैसलर. और ऑथर को हमेशा बुरा लगता था मिस्टर गैसलर के बारे में. हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेक ग्रेट बूट्स. और जो कि हमेशा टैलेंटेड पर्सन थे और काफ़ी अच्छे शूज़ बनाते थे. तो ऑर्डर सो मेनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर. और वो हमेशा इसलिए इतने सारे ऑर्डर करते थे शूज़ के कि वो बूट मेकर को थोड़ी हेल्प हो जाए. नो ही डिडंट रियली नीड देम. और उन्हें इन सारे शूज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी. सो हियर इज़ अ एडिशनल क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आंसर एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर लास्टेड वेरी लॉन्ग, नेवर फेल्ड टू फिट, सून स्टार्टेड क्रैकिंग. बोथ ए एंड बी. लास्टेड वेरी लॉन्ग मीन्स काफ़ी टाइम तक चलते थे और कभी ऐसे शूज़ वो नहीं बनाते थे जो कि सामने वाले पर्सन को फिट नहीं होते थे. गैसलर की शॉप को किससे कंपेयर किया. चर्च, अ बुक शॉप, अ फर्म, नन ऑफ दिस थ्री. अ चर्च. इन दिस स्टोरी द इंसेंस इज अरोमा इन चर्च, द स्मेल ऑफ लेदर, द न्यूसेटिंग स्मेल ऑफ बूट्स, द स्मेल ऑफ ग्लू.
तो द स्मेल ऑफ लेदर, लेदर की जो स्मेल थी उसे इस स्टोरी में इंसेंस कहा गया है। वॉट वॉज रॉन्ग विद द राइटर्स प्रीवियस पेयर ऑफ बूट्स, दे वर टॉर्न, वो फट गए थे, दे डेवलप्ड सर्टेन क्रीजेस, उसमें क्रीज आ गए थे, दे क्रीक, वो मीन्स क्रैक्ड आ गए थे उसमें, दे डिड नॉट फिट द राइटर्स फिट, क्या वो राइटर के पैर में फिट नहीं हुए थे, तो दे क्रीक, वो फट गए थे। अकॉर्डिंग टू गैसलर बिग फर्म्स मीन्स उसमें क्रैक आ गए थे। अकॉर्डिंग टू गैसलर्स बिग फर्म्स गेट देयर बिजनेस बाय वर्क, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय इनोवेशंस, बाय क्रिटिसाइजिंग वर्क डन बाय क्राफ्ट्समैन, सो बाय एडवर्टाइजमेंट। कमिंग बैक टू लंडन, राइटर विजिटेड गैसलर शॉप आफ्टर ओवर 3 years, ओवर 2 years, ओवर 5 years, ओवर अ ईयर, एक साल बाद। द रीजन ऑफ गैसलर डेथ वॉज जॉइंडिस, कैंसर, स्टारवेशन, कोलेरा, सो स्टारवेशन। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लॉस ऑफ गैसलर्स बिजनेस, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट देन गैसलर, ऐसा कोई पर्सन नहीं था कि जो गैसलर से अच्छे शूज बना पाए। गैसलर नेवर एडवर्टाइज, गैसलर ने कभी एडवर्टाइज नहीं, गैसलर चार्ज टू हाई, गैसलर टू टू अ लॉन्ग लॉन्ग अ टाइम टू मेक बूट्स, गैसलर ने बहुत टाइम लिया शूज को बनाने में, गैसलर काफ़ी हार्ड चार्ज, गैसलर जो थे कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेते थे, तो ये वाला जो है रीज़न ये उन्हें एप्लीकेबल नहीं होता था। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, द राइटर न्यू गैसलर राइट फ्रॉम हिज वेरी यूथ, राइटर जो थे काफ़ी टाइम से गैसलर को जानते थे अपने यूथ टाइम से, ट्रू। फॉर मिस्टर गैसलर बूट मेकिंग वॉज एन आर्ट, मिस्टर गैसलर के लिए बूट मेकिंग एक आर्ट था। द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर ऑफन क्रीक, तो फॉल्स, जो बूट्स वो मिस्टर गैसलर बनाते थे वो मीन्स क्रीक्ड हो जाते थे, नो। द राइटर वॉन्टेड गैसलर टू गिव हिम फ्रेंच लेदर बूट्स, और राइटर जो थे वो गैसलर को फ्रेंच बूट्स देना चाहते थे, लेदर बूट्स, फॉल्स। मिस्टर गैसलर यूज टू वेयर सेल्फ मेड बूट्स इन हिज शॉप, फॉल्स, मिस्टर गैसलर जो थे खुद के बनाए हुए शूज़ नहीं पहनते थे शॉप में। अकॉर्डिंग टू गैसलर बिग फर्म्स हैव टेकन अवे देयर बिजनेस, और गैसलर के मीन्स गैसलर के अकॉर्डिंग जो बिग फर्म्स है उन्होंने उनका बिजनेस छीन लिया था। अ रशियन हैड टेकन ओवर द बूट शॉप ऑफ गैसलर ब्रदर्स, एक रशियन ने बूट खरीद ली थी, बूट शॉप खरीद ली थी गैसलर ब्रदर्स की, तो फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द राइटर गैसलर ब्रदर्स मस्ट हैव एडवर्टाइज फॉर देयर बूट्स टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन, राइटर के हिसाब से गैसलर ब्रदर्स को एडवर्टाइजमेंट में अपने बूट्स की शॉप के सर्वाइव के लिए कॉम्पिटिशन के लिए उन्हें हमेशा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी, सो ट्रू। सो हियर इज योर लेसन नंबर 5, क्वालिटी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स आर फिनिश्ड, MCQs एंड ट्रू और फॉल्स आर ऑल्सो फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन नंबर 6, न्यू lessons. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टिल आवर नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे।